टूटी फ्रुटी सुजी केक। नमस्कार मु लिप्सा आपन समस्त स्वागत करुछि ओडिया कुचिन्स चैनल को। चलंतु एही डिलीशियस केक रेसिपी बनेबा आरंभ करिबा। एही केक बनेया पय प्रथमे मु 2 कप सुजी ने जाइछि। सुजी को मु ग्राइंड करिकि नेइछि। आपन पाखरे जदि सरु दाना सुजी अछि त ग्राइंड करिया के दरकार पड़िबनि। तापरे मु गोटे कप खीर एथरे ऐड कर नउछि, ताको भलो भाबरे मिक्स कर नउछि। एबे ही मिक्सचर को घोड़े की 30-40 मिनट पर्यंत रखनबा। देखंतु 40 मिनट पक्का पक्की ही जाई छी। आ एटा हमर फुल्ली की भल भाबरे सेट हो जाई छी। इहा को हमें एबे साइड को रखनबा। मु आ गोटे जगह नै जाई छी, सेतरे हाफ कप मैदा गोटे टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ये सब को भल भाव छाणी की मो साइड को रखने भी। मुझे गोटे कप क्षीर नहीं जाइए वे से गोटे टेबुल स्पून लेंबू रस आड कर नौ को भल भाव मिक्स कर नवा एवं साइड कर रखने वा। एबे मु गोले की रखी सुजी रे हाफ कप तेल ऐड कर नौ छी। यहाँ को भलो भाव मिक्स कर नवा। एबे मु इथरे 1.5 कप सुगर ऐड कर नौ छी। आपण चाहिले सुगर कम किंबा बेसी करि परिबे। आपण जदि अधिक मीठा खाउथबे त से अनुसार अधिक चीनी करि परिबे मध्य। याको भल भाव मिक्स कर नबा। एबे साइड करी रखिथिबा मैदा मिक्सचर को मध्ये एथरे मार्ट कर नउ छी आ भल भाव मिक्स कर नउ छी। एबे लेंबू रस पकाइथिबा खीर को मध्ये एथरे ऐड कर नउ छी आ सब तक इंग्रेडिएंट्स को भल भाव मिक्स कर नउ छी। देखंतु मिक्सचर टी आमर रेडी हो गला। मु तो बहुत भल भाव मिक्स कर नहीं छी। यार कंसिस्टेंसी एपरी भाव अच्छी। एबे मु गोटे ननस्टिक कढ़ई नहीं कि से अल्प तेल ग्रीस कर नहीं छी आ गोटे बटर पेपर मध्य पकई नहीं छी। एबे ही बैटर को मु से ढाली नेबी। एबे मु किछि टूटी फ्रूटी नहीं कि ता ऊपर ए बड़े भाव सजे नेबी भल भाव।
ଏହା ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 30-40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି କୁକ୍ କରିନେବି। ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ ଆସୁଛି, ତା'ମାନେ ଆମ କେକ୍ଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ଆମର କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଖିଦେଉଛି ଏହା କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି କେକ୍ ରେସିପି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।